आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम है और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है। रॉ मटेरियल कहां से खरीदे, मैन्युफैक्चर कैसे करें, कौन है बड़ी मार्केट, क्या प्राइस से माल मिलेगा और कितना प्रॉफिट होगा, कौन सी मशीन आपको परचेज करनी होगी, जीएसटी, मार्केटिंग, सारी बातें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं परख बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये कमाल का बिजनेस भी सीख लेते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं हल्दी के बिजनेस के बारे में, यानी कि टर्मरिक। हल्दी हर घर की ज़रूरत है, हल्दी के बिना हमारा खाना अधूरा है, इसलिए हल्दी को मसालों की रानी कहते हैं। ये बिजनेस पूरी साल चलने वाला है। आप जाइए मार्केट में, आपको जगह जगह मिर्च पीसने वाले मिल जाएंगे, मगर आपको हल्दी पीसने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब ये क्यों नहीं मिलेगा, हल्दी का मैन्युफैक्चर लोग बहुत कम करते हैं, क्यों करते हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। पहली बात तो ये है कि आप अपने मार्केट में जाइए और तपास करें कि भी आपके यहाँ हल्दी की रिटेल प्राइस क्या है, क्या प्राइस में रिटेल में बिक रही है वो। दूसरा, उनकी होलसेल प्राइस क्या है वो भी जाने। और तीसरा, उनकी क्वालिटी कैसी आ रही है वो चेक करें, और इनकी डिमांड कितनी है वो भी आप अच्छी तरह से जान लें। फिर इसके बाद आप हल्दी का बिजनेस आराम से स्टार्ट करें। हल्दी में तीन चार वेरायटी आती है, जैसे कि सुगुना है, सुवर्णा है, सुदर्शना है, प्रभा है, प्रतिभा है। अब पहले हम ये पता लगाते हैं कि हल्दी भारत में कहाँ मिलेगी। देखिए, भारत में हल्दी सबसे ज़्यादा तेलंगाना में होती है, यानी कि पूरे देश में 40% हल्दी का उत्पादन जो प्रोडक्शन स्टेट है ये है तेलंगाना। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, उड़ीसा है, वहाँ पर भी आपको हल्दी मिल जाएगी और ये स्टेट में हल्दी उत्पादन होती है। देखिए, हल्दी का बिजनेस आपको कैसे करना चाहिए। देखिए, जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि भी हमें इनका मैन्युफैक्चर पहले करना चाहिए या रीसेल करना चाहिए, जबकि बेस तो मैन्युफैक्चर है, मगर कई बार हमें रीसेल में जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा अगर उसका मैन्युफैक्चर करने में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, या हमें उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ कोई बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसा कुछ भी हो, तो हमें सीधा डायरेक्ट रीसेल करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। मगर ये जो आज का हमारा हल्दी का बिजनेस है, इसमें आप मैन्युफैक्चर बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, और यहाँ आपको रीसेल से स्टार्ट हो सके तो नहीं करना है। अगर आप स्टार्ट में करना चाहे तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप सीधा मैन्युफैक्चर स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रीसेल में आप किसी भी पार्टी के पास से अगर आप हल्दी खरीदोगे तो वो उसमें मिलावट भी कर सकता है और मिलावटी माल आपको दे सकता है, और फिर मिलावटी माल लेके आप मार्केट में बहुत ज़्यादा समय तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलोगे। तो आपको जितना हो सके उतना इसमें मैन्युफैक्चर पर फोकस डालनी है। स्टार्टिंग में आप अगर अपना खुद का मशीन परचेज करना नहीं चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी हल्दी खरीद लो और किसी थर्ड पार्टी के पास से आप उसको पिसवा दो, और इस प्रकार से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम इसमें मशीन की बात करें तो आपको खरीदनी है हेवी हमर पल्वाइजर MS बॉडी मशीन। देखिए, हल्दी बहुत ही सख्त होती है, उनको पीसना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको उनके लिए बहुत ही हेवी मशीन खरीदनी होगी, यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो चक्की भी, आप ये चक्की टाइप की मशीन आती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप की मशीन आप परचेज करोगे तो आपको 100% इसमें हल्दी में रिजल्ट मिलेगा। फिर भी ये मशीन खरीदते वक्त हल्दी में आपको बहुत ही ध्यान रखना है, अगर आप मिर्च पीस रहे हो, धनिया पीस रहे हो, जीरा पीस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, मगर हल्दी में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको जिस भी कंपनी के पास से आप मशीन खरीदे आप वहाँ से चेक कर ले, आप पहले उस कंपनी से बोले कि भी आपने हमारे एरिया में और कहाँ कहाँ आपने ये मशीन दी है, आप उन लोगों के पास जाइए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हो तो आप वीडियो कॉल उनको कीजिए, उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए कि भी आपने इस कंपनी की मशीन परचेज की है, क्या इसमें हल्दी आसानी से पीसी जा सकती है, क्या इसको एक बार में पिसाया जा सकता है, या इनको दो तीन बार डालना पड़ता है फिर पिसाई होती है। हल्दी में कई मशीनों में आपको दो तीन बार भी डालनी पड़ती है, कुछ मशीन ऐसी भी आती है जिसमें एक बार में आप पिलाई कर सकते हो। तो मशीन खरीदते वक्त यहाँ आपको सबसे ध्यान ज़्यादा रखना है, सावधानी बहुत रखनी है, और बहुत ही देख करके बाद ही आपको मशीन परचेज करनी है। इस टाइप की जो मशीन है ये 3 HP की आपको 28,000 से लेकर
30,000 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी। और ध्यान रहे, मशीन आपको अपने लोकल मार्केट से खरीदनी है। आप मुझसे पूछते हो कि कौन सी कंपनी की मशीन खरीदे। अब मैं गुजरात में बैठा हूँ, अगर मैं आपको अहमदाबाद की कोई कंपनी के बारे में बताऊँ, राजकोट की कंपनी के बारे में बताऊँ, और आप तो बैठे हो भाई ओडिशा में, यूपी में, एमपी में, पता नहीं मेरे व्यूअर, मेरे फ्रेंड कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो मैं आपको इस मशीन से कहाँ पहुँचाऊँगा। और इस टाइप से मशीन परचेज करना अच्छा भी नहीं है। आपको जितना हो सके उतना अपने लोकल से खरीदे, चेक करके खरीदे, पहले देखे और फिर खरीदे। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि यहाँ आपको कोई एसएस मशीन चलने वाली नहीं है, एसएस में पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एमएस मशीन ही खरीदे। हम बात करते हैं आपको हल्दी कहाँ मिलेगी। देखिए, अगर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ निजामाबाद है, बहुत बड़ी हल्दी की मंडी है, और वहाँ आपको बहुत ही कम प्राइस में और जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में वहाँ आपको हल्दी मिल जाएगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आपको नीमच और सांगली में भी हल्दी आपको मिल जाएगी। कि भाई आपको पता है दिल्ली में जो खारीबावली मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पर तो आपको जितनी चाहिए उतनी हल्दी मिल ही जाएगी। अगर रेट की बात करें तो हल्दी आपको कोई 54 से लेकर 70 रुपये, यानी कि 55 रुपये से लेकर आपको 70 रुपये तक आपको हल्दी मिल जाएगी। और अगर आप मार्केट में देखिए, अगर बहुत ही कम रेट चल रहा है तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम आगे देखते हैं। इनमें आपको 5% GST भी लगेगा, और अगर आप सिंगल टुकड़ा हल्दी लोगे तो बहुत ही कम रेट में आपको मिलेगी। अगर आप इसमें अपना मैन्युफैक्चर कॉस्ट कम करना चाहते हो तो आपको इसमें कोई मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग कनक भी डालते हैं मगर मत डालिए आप। आपको क्या करना है कि अगर हल्दी डालती है वो उसके जो टुकड़े हैं वो आपको बहुत ही कम रेट में मिलेंगे। तो आप टुकड़े लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हल्दी पूरे लाओ या टुकड़े लाओ क्या फ़र्क पड़ता है। आप टुकड़े लाइए और अपने यहाँ पीसोगे तो आपको बहुत ही कम रेट में हल्दी तैयार हो जाती है। बाकी कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ही जो बेस्ट क्वालिटी की होती है आधी वो खरीदते हैं और आधी बिल्कुल लो क्वालिटी की खरीदते हैं, और ये दोनों को मिलाकर बहुत ही अपना रेट कम करते हैं। ऐसा भी कई मैन्युफैक्चर आजकल कर रहे हैं। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो हल्दी में आप 50 ग्राम 100 ग्राम के छोटे छोटे पैक भी बना सकते हो, और बाकी अगर थोड़े बड़े पैक में बात करें तो आप 500 ग्राम 1 किलो के पैक भी बना सकते हो। मार्केट में 500 ग्राम 1 किलो के पैक भी बिकते हैं, बाकी 50 ग्राम 100 ग्राम भी बिकते हैं। अब जगह अगर रिटेल की बात करें तो 200 रुपये के आसपास पर केजी रिटेल में बिक रही है, यानी कि 50 ग्राम का पैक है वो आपको 10 रुपये में बिकेगा और 100 ग्राम का जो पैक है वो रिटेल में 20 रुपये में बिकेगा। और अगर होलसेल की बात करें तो आप इनको 140 150 के आसपास आप आराम से सेल कर सकते हो, यानी कि 14 रुपये में आप 100 ग्राम का पैक व्यापारी को दे सकते हो। और अपने गाँव हो या आपका शहर हो, जो भी किराना की दुकान लगा के बैठा है, जो किराना बेच रहा है, वो कोई भी व्यापारी हल्दी बिकता ही है, तो आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी किराने वाले की दुकान के पर जाकर आप अपनी हल्दी को बेच सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप सिटी में हो, आपके पास हाईवे हो, तो आप अपने आसपास में जो बड़े बड़े होटल हैं आप वहाँ भी जा सकते हो और वहाँ से उनके मालिकों से बात कर सकते हो कि मैं हल्दी पीसने का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा खुद का मैन्युफैक्चर है और मैं इसमें कोई भी मिलावट नहीं करता हूँ, आप हल्दी मेरे पास से खरीद सकते हो। तो आप उस टाइप से वहाँ भी हल्दी को डायरेक्ट अपनी तरफ से प्रोडक्शन कर सकते हो, अपनी ब्रांड में भी बेच सकते हो, बिना ब्रांड भी बेच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी छोटी सी ब्रांड बनाओगे और ब्रांड बना के अपने यहाँ पैकिंग में पैक करोगे इस टाइप की ब्रांड बना के बेचोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप स्टार्टिंग में बिना ब्रांड भी बेच सकते हो। दूसरी बात कि इसमें आपको GST है, FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, GST नंबर लेना पड़ेगा, आपको MSME में रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रांड को ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा, मगर ये सब आपको अभी स्टार्टिंग में कुछ भी करना नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करना है, पहले बिजनेस स्टार्ट करो, फिर बाद में आप ये सब बातों में पड़िए। और अगर आपको बेचना नहीं आता है कि मैं कैसे बेचूं, तो उस पर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो मैंने बनाई है कि आप सेल कैसे बढ़ाएं, उस वीडियो को भी आप देखिए जाके। और बाकी मैंने एक और वीडियो अभी कुछ दिनों पहले बनाई है कि आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, यानी कि आपको अपना बिजनेस कैसे बड़ा करना है, तो इस टाइप का ये वीडियो है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ये देखने के बाद आपको सेल के रिलेटेड शायद कोई सवाल नहीं रहेगा।
तो इन बिजनेस में इतना है, इसमें इनसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। और मित्रों, अब दिसंबर का एंड आ चुका है और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको एंड में 6 वीडियो डालूँगा, यानी कि 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, लगातार 6 वीडियो आएंगे। शाम 7 बजे के आसपास आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। आप वीडियो को ज़रूर देखना, अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।